तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि एलएलबी एंड एलएलएम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कट ऑफ कितनी कम होगी एंड लास्ट तक कट ऑफ कितनी बन जाएगी, क्योंकि 168.3 कट ऑफ वैसे तो एक्सपेक्टेड कम है जितना हर बार जाता है। हर बार 190-195 के आसपास कट ऑफ जाती है, लेकिन इस बार 168.3 गई है एलएलबी ऑनर्स की कट ऑफ। फिर भी आप सभी के डाउट्स हैं एंड बहुत स्टूडेंट के नंबर कम हैं, तो वो पूछ रहे थे कि जैसे मेरा नंबर 130-140 है तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में या फिर नहीं होगा। तो मैं फुल डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ एंड आप एक 100% श्योर हो जाओगे। तो भैया जो मैंने बताया है वो एकदम आप सभी रिलेट कर लोगे एंड आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एलएलबी एंड एलएलएम की जो कट ऑफ है वो कल शाम को आ गया था, तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था अपने टेलीग्राम पर एंड साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर। तो केवल और केवल जनरल की कट ऑफ आई थी एंड एसटी की कट ऑफ आई थी एलएलबी एंड एलएलएम दोनों की। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एससी की जो कट ऑफ है वो आज आ सकती है शाम तक या फिर कल, तो 100% कट ऑफ आ जाएगी आप सभी की, ठीक है। अब फाइनली जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हो वो जान लेते हैं कि कट ऑफ कितनी कम जाएगी, मतलब कितने तक आप सभी के एडमिशन हो जाएंगे एंड आप श्योर हो जाओगे कि उतने तक ही अगर आपके हैं तो एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर दस्तखत किया गया है, मोहर किया गया है, तो ये आप सभी के जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। अभी ये फर्स्ट कट ऑफ है, अब इसके बाद मैं आप सभी को भी थोड़ी देर में लास्ट कट ऑफ दिखाऊंगा, तो आप सभी रिलेट कर लोगे। मैं बीच का कट ऑफ नहीं दिखाने वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, लगभग 8 से 9 कट ऑफ आई थी, लेकिन मैं फर्स्ट कट ऑफ टू लास्ट कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ कि पहली कट ऑफ से लेकर के अंतिम कट ऑफ तक कितने नंबर की कमी हुई है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो एलएलएम की जो पहली कट ऑफ गई थी 192 गई थी फॉर अनरिजर्व, एंड जो शेड्यूल ट्राइब की एसटी की कट ऑफ आई थी वो 134। देखो एलएलबी एंड एलएलएम में यही होता है, पहले जो आती है वो अनरिजर्व एंड एसटी की आती है, उसके बाद आप सभी की जो सेकेंड कट ऑफ आएगी उसमें अनरिजर्व एससी एसटी एंड सबकी आप लोगों की कट ऑफ होगी, ठीक है। अगर एलएलबी ऑनर्स की बात करें तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी वो 180 कट ऑफ थी एंड एसटी की बात करें तो 106 जो आप लोगों की वो कट ऑफ गई थी। तो ये थी फर्स्ट कट ऑफ, ध्यान रखना ये जो मैंने बताया है 192, 134, 180, 136। अब मैं आप सभी को लास्ट कट ऑफ दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है भैया अनरिजर्व की ऑफिशियल लास्ट कट ऑफ, ये अंतिम कट ऑफ है अनरिजर्व की। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि अनरिजर्व की जो अंतिम कट ऑफ है वो आई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 16 तारीख को एंड 162 जो आप लोगों की वो कट ऑफ गई थी। तो कितने नंबर कम हुए थे? 18 नंबर कम हुए थे। तो आप देख सकते हो कि अनरिजर्व में कितने नंबर कम हुए हैं, यहाँ पर अनरिजर्व में जो टोटल नंबर कम हुए हैं वो 18 नंबर आप सभी के कम हुए हैं। एंड ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की 140 हो गई है, तो ओबीसी की जो पहली कट ऑफ थी वो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी 170 है एंड जो एलएलबी के सेकंड कट ऑफ आई थी वो 178 हो गई थी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 170 है। तो अब फाइनली देख लेते हैं कि 170 से कितना कम हुआ था। तो आप सभी देख सकते हो कि जो ओबीसी की लास्ट कट ऑफ थी वो 170 से 140 हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब कि 30 नंबर कम हो गए हैं ओबीसी के। तो अब आप सभी को क्लियर हो गए होंगे कि 180 से आप सभी के 162 हो गए, मतलब कि 18 नंबर कम हो गया। 170 से आप सभी के 140 हो गए, मतलब 30 नंबर कम हो गए। तो इस बार ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड एससी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है? तो इस बार जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होने वाली है वो 160 के आसपास आएगी एंड जो ओबीसी की कट ऑफ होगी आपकी वो रहने वाली है 155 के आसपास, ठीक है। तो 155 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है, जिसमें से अगर लास्ट कट ऑफ की बात करें तो वो कितनी रहने वाली है? 130। तो अगर आप सभी के 125 से 130 नंबर आ रहे हैं एलएलबी में ओबीसी कैटेगरी में तो आप लास्ट तक एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर आप जनरल हो तो 140 अगर आपके प्लस हैं, 140 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप वेट कर लो, आप सभी के एडमिशन हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की 152 गई थी, इसके पहले वाली कट ऑफ मैं आप सभी को टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कितने तक जाने वाले हैं कट ऑफ। 125 से 130 आप सभी के रहने वाली है ओबीसी की, 135 आप सभी की ईडब्ल्यूएस की, 140 प्लस आप सभी के रहने वाली है जनरल की। तो ये आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर इतने के आसपास आप सभी के नंबर हैं
मतलब 5 नंबर कम एंड ज़्यादा कर लीजिएगा तो आप बिल्कुल रुके रहिए, आप सभी के मेन कैंपस में एडमिशन होने के बिल्कुल चांस हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए, ये सभी के PDF मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।